और एक वरना गाड़ी। ये इतनी गाड़ी हमने पीछा करके और पकड़ी। अब इसमें कौन कौन व्यक्ति है, क्या लिंक है? मौके पे तत्काल DYSP, एडिशनल SP और SP को मौके पे भेजा गया है। जो भी चीज़ है उसको तहकीकात जा करके जो जितने मुलजिम बनते हैं उनको इमेज। इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ हो ना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी TPA एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, अजमेर। ये कोई थाना अधिकारी रूपनगढ़ को बाद दोपहर एक भूखंड को विवाद को लेकर झगड़ा होने की इतला मिली थी। उक्त सूचना पे वो वहाँ पहुँचे तो आपस में दो पक्षों में आपस में भूखंड को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरा जो व्यक्ति है वो इंजर्ड है, जिसको अजमेर रेफर किया गया। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। सर, बलराम चौधरी का नाम आया था इसमें, जो भी है इसमें एक व्यक्ति हमने दस्तयाब किया है। तो इस व्यक्ति के साथ हमने एक JCB, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक वरना गाड़ी। ये इतनी गाड़ी हमने पीछा करके और पकड़ी। अब इसमें कौन कौन व्यक्ति है, क्या लिंक है? मौके पे तत्काल DYSP, एडिशनल SP और SP को मौके पे भेजा गया है। जो भी चीज़ है उसको तहकीकात जा करके जो जितने मुलजिम बनते हैं उनको इमिजिएटली अरेस्ट कराएंगे। अरेस्ट करा के और इस केस को स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करा के और मुलजिमों को जितना जल्दी हो सके सजा कराएंगे। सर, कितने आरोपी थे, कहां में आए थे और कितने राउंड फायर किए? ये सारा मौके पे अभी SP साहब गए हुए हैं, तो वो इनिशियली ये जानकारी है कि इसमें जो दो व्हीकल जिस हिसाब से पकड़े हैं उसमें 3-4 JCB को छोड़ के 2-3 और गाड़ियाँ इसमें यूज हुई हैं, और दूसरे पक्ष भी काफ़ी लोग हैं जो ज़्यादातर बाहरी लोग थे। जो मौके पे जो एक व्यक्ति की डेथ हुई वो भी बाहर के रहने वाले थे, 35 वर्षीय भी की एक मृत्यु हुई है। जो भी लोग हैं जो पकड़े गए हैं वो भी एक बाहर के व्यक्ति हैं जो अलवर ज़िले से हैं, और इनको सभी को जो जो बाहर से आए हैं सभी को राउंड अप करके अरेस्ट कर